ए एक्स बी वाई, ध्यान से सुनना, ये पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा ऐसे डिसोसिएशन, ए एक्स बी वाई, पहले इधर देख लो बाद में लिखना, ए एक्स बी वाई, इसमें ए कैटायन है और बी कौन है, एनायन, एक्स कैटायन का नंबर है, वाई एनायन का नंबर है, नीचे जो लिखा रहता है वो खुद का तो नंबर होता है, और चार्ज किसका होता है, नेबर का, आपने बनाए है ना ऐसे फॉर्मूलाज, आपको कोई बोला जाता था Mg पे 2 प्लस चार्ज है और फॉस्फेट पे कितना चार्ज है 3 माइनस, इसका फॉर्मूला बनाना होता था, कैसे करते थे, Mg और PO4 पास पास लिख लेते थे, फिर इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी, तो यहाँ क्या करते थे Mg3 और यहाँ क्या करते थे PO4 ट्वाइस, तो इसको क्या करना पड़ता था होल ट्वाइस, आपको याद है ना सभी है? तो वही चीज यहां पर है, ये क्या होगा, x इसका नंबर है, y इसका नंबर है, तो सबसे पहला काम तो आप ऐसे करिए, x a plus y b, कुछ नहीं किया हमने, सेपरेट किया खाली, तो ऐसे ही देखो इसका एग्जांपल को समझा दो मुझे, Al2SO4 होल थ्राइस है बेटा, इसको आप चार्ज मत लगाना, एक बार बोलिए 2Al plus, हमेशा जो उसके नीचे लिखा रहता है वो उसका खुद का नंबर होता है, ये डिसोसिएशन बेटा बहुत बच्चों को नहीं आता है, ध्यान से सीखना है, ए एक्स, तो एक्स यहां ले आए तो एक्स नंबर हो गया, तो ए एल के नीचे 2 है तो हमने कहते 2 AL, वाई नंबर है बी का तो ये 3 नंबर किसका हो गया, सल्फेट का, इसको भी करना होगा तो 3 नंबर तो किसका होगा, मैग्नीशियम का, और 2 नंबर किसका होगा, और अब इनके ऊपर चार्ज की बात आती है, तो चार्ज आप खुद ही बताइए, वैलेंसीज आर म्यूचुअली ट्रांसफर्ड, तो इसकी 2 किसकी वैलेंसी है, किसका चार्ज है 2, सल्फेट का, यहां पर x किसका चार्ज होगा, b का, y किसका चार्ज होगा, तो a पर तो क्या लगा दीजिए y प्लस, और यहां क्या लगा दीजिए x माइनस, तो ये एक जनरल फॉर्म हो गई, इसको तो आप एक ब्रैकेट में लिख के रखिए ताकि हमें इसको यूज लेना पड़ेगा, अब तुम बता दो इस पे al पे कितना चार्ज आ जाएगा, 3 प्लस, और इस पे कितना आ जाएगा बेटा, वेरी कॉमन, तो आप देखिए अब टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, एक एल्यूमिनियम पे प्लस 3 चार्ज है, कितने एल्यूमिनियम है 2, तो कितना हो गया 6, सल्फेट पे देखिए एक पे माइनस 2 है, 2 है तो 3 है, तो कितने हो गए, ये भी कितना हो गया, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी सॉल्ट में कैटायन और एनायन का चार्ज हमेशा सेम होता है, तभी तो हमने कहा है टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, या तो टोटल धनावेश को ऐड कर दो या टोटल ऋणावेश, इन टोटल को आप सम कर लेंगे तो हम किसी को भी कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ये क्या हो गया बेटा 342/6, आपको दिख रहा है 6 आ गया, ऐसे कोई भी सॉल्ट आएगा उसका टोटल कैटायनिक चार्ज आप पुट करके उसका इक्विवेलेंट मास क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट, तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने में ये चीजें बहुत, 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in water to form 500 ml solution. ध्यान से देखिए H2SO4 के कितने ग्राम, 4.9 ग्राम हमने क्या करा है, वाटर में डिजोल्व करा है, घोला है, उससे कितना बना है सोल्यूशन 500 ml solution. और अब क्या पूछा जाएगा, फाइंड द मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी, ये दो चीज आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक, तो देखिए पहला तो आपको क्या काम करना है, मोलैरिटी क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल सोल्यूट के और वॉल्यूम किसके, सॉल्यूशन के, ठीक है, एक काम तो ये कर लेंगे, यहां जगह खाली है, दूसरा क्या करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी, यहां क्या आएगा बेटा, मोल्स को आपने एक्सपेंड किया तो क्या आ गया, देखो डब्ल्यू बी अपॉन, यहां क्या लेंगे एम बी इंटू वी लीटर, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन ई बी इंटू वी लीटर, कोई फर्क नहीं है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में सिर्फ मोलर मास और इक्विवेलेंट मास का फर्क होता है, अब यहां पर गिवन क्या क्या है, 4.9 ग्राम, ये क्या गिवन है, H2SO4 का मास है तो कौन सा हो गया ये WB, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा H2SO4 का, अभी अभी अपने निकाला था, बताया था आपको
कितना होता है 98 ग्राम। तीसरी चीज क्या है, अब आपको क्या निकालना है, ईबी। ईबी कैसे निकल जाएगा, एम बी अपॉन एन होता है, एम बी 98 अपॉन कितने वैलेंसी होगा इसका, एन फैक्टर H2SO4 का कितना होगा 2, तो ये कितना निकल जाएगा बेटा 49 ग्राम। ठीक, तो देखिए, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 ml। चलिए ठीक है, तो अब यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा 4.9 अपॉन 98 इंटू व्हाट 500 ml है बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आंसर आ जाएगा, ये 2 हो गया, 9.8 अपॉन 9, तो ये आंसर आ गया 0.1। कितना आया बेटा 0.1, यूनिट लगा देंगे, क्या यूनिट लगा दोगे 0.1 मोल्स पर लीटर। दूसरा निकालिए, डब्ल्यू बी इतना, ये 49 और वही सेम वॉल्यूम तो वैसा का वैसा रहेगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 10, बताएं कितना आ जाएगा 0.2। जैसे मोल्स पर लीटर था वैसे इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाएगा, या क्या लिख दो n, इसके आगे भी क्या लगा सकते हो कैपिटल M, तो आसान सा है काम है। तो देखिए ये 0.1 आया, ये 0.2 आया, तो कोई रिलेशन इससे भी नजर आ सकता है। तो अब मैं आपको वो फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं जो हमें सिर्फ कंपटीशन में यूज करने हैं।